हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका देसी फोर टेक की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोको F3 GT के बारे में। अब ये वाला फ़ोन मेरे को 5 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं यूज़ करते हुए, और काफ़ी ज़्यादा मैंने कुछ नोटिस कर लिया है इसमें, फ़ोन में सारी चीज़ें पता चली है मुझे, कैसा है ये फ़ोन अभी, कैसा वर्क कर रहा है और मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा इस वाले फ़ोन के साथ इन 5 दिनों में, और सारी चीज़ें शेयर करूँगा। उससे पहले आपको बताता हूँ, ये फ़ोन मैं सेल कर रहा हूँ, एकदम न्यू कंडीशन है, एक हफ्ता भी नहीं हुआ है फ़ोन को, तो ये वाला मैं फ़ोन सेल कर रहा हूँ 25,000 रुपये का। तो किसी को इंटरेस्ट है तो ले सकता है और बाय कर सकता है मेरे से, इंस्टाग्राम पे DM कर दो, इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे। 25,000 रुपये में फ्री शिपिंग भी आपको मिल जाएगी, आप कहीं पे भी रहते हो इंडिया में, सो वो आपको मिल जाएगा एक। और यहाँ पे फटाफट से इस वीडियो शुरू करें दोस्तों, लाइक कर देना वीडियो अच्छी लगती हो, चैनल का सब्सक्राइब भी आप कर लेना। फिलहाल इस वीडियो शुरू कर देते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले एक्सपीरियंस के बारे में। अब यहाँ पे दोस्तों 6.67 इंचेस की एक आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, और यहाँ पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है, साथ ही साथ 480 हर्ट्ज का आपको टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाता है। और वो सिर्फ नंबर्स में नहीं दोस्तों, यहाँ पे सही में ये वाली बहुत ज़्यादा स्मूथ डिस्प्ले है, ये काफ़ी ज़्यादा तगड़ा स्मूथ, इसमें जो जेस्चर्स वगैरह काफ़ी अच्छे काम करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा एक मतलब मिनिमलिस्टिक सा लुक में आपको देखने को मिल जाता है डिस्प्ले का भी, क्योंकि यहाँ पे जो पंच होल है वो भी काफ़ी छोटा सा है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मुझे सही लग रही है इस फ़ोन में, और डिस्प्ले एक वन ऑफ द बेस्ट फैक्टर मैं कहना चाहूँगा इस वाले फ़ोन का बन चुका है दोस्तों मेरे लिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट डिस्प्ले है, काफ़ी एक अच्छी इमर्सिव सी डिस्प्ले है, आपको सनलाइट वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आती, कलरफुल डिस्प्ले है काफ़ी ज़्यादा, और जो स्मूथनेस है वो बहुत ही ज़्यादा टॉप लेवल की है। तो डेफिनेटली से यार 30,000 रुपये के अंदर ये वाली जो डिस्प्ले है वन ऑफ द बेस्ट मैं कह सकता हूँ इस वाले डिस्प्ले को, और ये आपको डेफिनेटली से अच्छी लगेगी अगर आप यूज़ कर रहे हैं इस फ़ोन को, या फिर आप बाय करना चाहते हैं इसके बारे में कुछ डाउट था, तो डेफिनेटली से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके डिस्प्ले में। और यहाँ पे जो दूसरे आपको फीचर्स मिल जाते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वगैरह, वो आपको यहाँ पे अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं, तो वो भी आपको एक अच्छी चीज़ देखने को मिल जाती है इस वाले डिस्प्ले में, और कस्टमाइजेबल है काफ़ी सारी चीज़ें, इसके वॉलपेपर्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, तो ये आपको एक डेफिनेटली से एक फुल पैकेज देखने को मिल जाता है इस वाले फ़ोन में डिस्प्ले के मामले में भी। दोस्तों सेकंड बात करते हैं डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की। तो यहाँ पे डिज़ाइन जो है दोस्तों पूरा ग्लास और मेटल से बना हुआ है, फ्रंट आपको जो स्क्रीन है उस पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, साथ ही साथ बैक में आपको मिल जाता है गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, और यहाँ पे ग्लास बैक है ये ऑब्वियसली। यहाँ पे जो बैक पैनल है वो एक स्मूथ सा टेक्सचर है उसमें, मतलब काफ़ी एक स्मूथ सा पकड़ने में फील आती है आपको, और बहुत ही ज़्यादा एक रोबस्ट सी फील देगा ये आपको। और मैट पैनल है बेसिकली, यहाँ देख सकते हैं मैट फिनिशिंग से करी हुई है पूरी, लेकिन जो इन हैंड फील है वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम है इस डिवाइस की, क्योंकि जो साइड पैनल है वो भी यहाँ पे पूरा आपको मेटेलिक एल्यूमिनियम का देखने को मिल जाता है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी लगी। और साथ ही साथ बटन्स वगैरह की बात करूँ तो वो भी एक अच्छी अप्रोच ली गई है इन्होंने, जैसे ट्रिगर बटन्स है तो वहाँ पे भी आपको एक क्रोम सा टेक्सचर मिल जाता है उन पे भी, और उसके जो और दूसरे बटन्स है जो ट्रिगर के वहाँ पे आपको एक रेड कलर का पोर्शन भी मिल जाता है जब आप उसे स्लाइड करते हो, तो छोटे छोटे टच दिए हुए हैं पूरी बॉडी के डिज़ाइन पे, तो ओवरऑल एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा डिज़ाइन बना दिया यार इस फ़ोन का, और मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है जब से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। और इसका जो कैमरा लेआउट है दोस्तों वो आपका काफ़ी ज़्यादा मस्त मज़ा आएगा देखने में, क्योंकि ये जो है ना एक अलग सी फील देगा, नॉर्मल वर्टिकल कैमरा जैसा नहीं लगता है क्योंकि थोड़ी सी मोटी लुक है इसकी कैमरा की, लेकिन जो बम्प है वो बाहर ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही बाहर है, वो आपको इतना दिक्कत नहीं करेगा केस वगैरह लगा के रखेंगे अगर आप। और यहाँ पे दोस्तों छोटे छोटे टचेस दिए हुए हैं, जैसे कि LED लाइट को इन्होंने फ्लैश जैसे कि जो लाइटनिंग जैसा इफेक्ट दिया हुआ है, तो ये कटआउट जो है वैसा है उसका। यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें अच्छी है, बस यहाँ पे हेडफोन जैक नहीं है, तो उसकी कमी यहाँ पे आपको डेफिनेटली से महसूस हो सकती है अगर आपको खेलना पसंद नहीं है USB Type-C टू 3.5 mm जैक के कनेक्टर से, क्योंकि वो काफ़ी बार अड़ता है मेरी उंगलियों में, तो इसलिए बस ये एक मेरे लिए डाउन पॉइंट है इस फ़ोन में। बस बाकी ओवरऑल डिज़ाइन मैं कहना चाहूँ बहुत ही ज़्यादा तगड़ा बनाया हुआ है इसका, और काफ़ी एक बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइन कह सकता हूँ मैं इसे 30,000 के अंदर। तो डिज़ाइन की बात कर ली आप, साथ ही साथ बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की एक्सपीरियंस की। तो यहाँ पे आपको पता है MIUI 12.5 पे चल रही है, और यहाँ पे अपडेट्स तो आपको रेगुलर मिलते हैं, लेकिन दोस्तों जो MIUI के साथ दिक्कत है वो है ये कि कितना भी अच्छा वो यहाँ पे हार्डवेयर डालते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर उनका कुछ ज़्यादा ही वहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कतें देखने को मिल जाती थी, लेकिन यहाँ पे पोको लॉन्चर की आपको स्क्रीन देखने को मिल जाती है उसके ऊपर, तो ये थोड़ा सा और ठीक कर देता आपका एक्सपीरियंस MIUI के कंपैरिजन में। तो हाँ ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा मेरे को दिक्कत नहीं आई इस वाले फ़ोन में MIUI से कोई ज़्यादा, लेकिन हाँ एक चीज़ मैंने नोटिस करी, यहाँ पे जैसे कि आप फ़ोन चला रहे हैं कभी भी या फिर कोई ऐप चला रहे हैं, तो जैसे ही नोटिफिकेशन आती है ना यार ऊपर एकदम से, जैसे मान लीजिए आपने इंटरनेट को ऑन किया और उसके थोड़ी देर बाद आप गेम खेलने लग गए, तो वहाँ पे अगर कोई नोटिफिकेशन आई
तो वहाँ पे दोस्तों आपका हल्का सा जिटर हो जाता है एकदम से फ़ोन के अंदर। तो ये एक डाउन पॉइंट आपको देखने को मिल सकता है इस वाले फ़ोन में, बट बाकी ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा स्मूथ चल रहा है, यूआई कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे थोड़ा ब्लॉटवेयर भी मेरे को कोई नहीं मिला था जब मैंने फ़ोन के अनबॉक्सिंग करा था, अगर आपको देखनी है अनबॉक्सिंग वीडियो तो आपको कार्ड सेक्शन में मिल जाएगी तो वहाँ जाके देख सकते हैं। लेकिन हाँ, ब्लॉटवेयर आपको कोई देखने को नहीं मिला था मुझे इसमें, और बाकी ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा ठीक एक्सपीरियंस है, इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है। कस्टमाइजेशंस काफ़ी सारी है इसमें, आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले काफ़ी अच्छे से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारी वॉलपेपर्स बहुत ज़्यादा तगड़े हैं। यहाँ पे आपको गेम स्पेस मिल जाता है जैसे ही आप इसको खोलते हैं, तो छोटे छोटे टचेस दिए हुए हैं जैसे कि ट्रिगर बटन्स है, इनको जैसे ही हम स्लाइड करते हैं तो गेम स्पेस हमारा ऑन हो जाता है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। और सेटिंग्स में काफ़ी तगड़ी तगड़ी आपको चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा इस वाले फ़ोन में MIUI 12.5 थोड़ा सा और अच्छा काम कर रहा है उन्होंने, और हाँ कोई दिक्कत मेरे को ऐसी लगी नहीं, काफ़ी ठीक चल रहा था। और बाकी आपको बता दिया जो थोड़ा बहुत दिक्कत थी वो वही थी, नोटिफिकेशन आने पर जिटर हो रहा था थोड़ा थोड़ा, बट हाँ ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा चल रहा है UI और क्लीन सा लग रहा है इस बार। पता नहीं क्यों MIUI 12.5 भी मेरे को कभी MIUI क्लीन नहीं लगता था, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा सा लग रहा है क्योंकि ब्लॉटवेयर यहाँ पे डाल के नहीं दिया आपको इस वाले फ़ोन में। तो साथ ही साथ बात कर लेते हैं कैमरा क्वालिटी की, तो यहाँ पे कैमरा के लिए कैसा है ये फ़ोन, अब काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था। मैं इसका डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू तो लेके नहीं आ पाया, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको बता देता हूँ कैमरा कैसा है। तो सैंपल्स आपके सामने आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये फोटोज़ कैप्चर करता है, इनडोर में भी और आउटडोर कंडीशंस में भी ठीक कैप्चर कर लेता है दोस्तों। मतलब काफ़ी अच्छी लगी मुझे इसकी फ़ोटोज़ एज़ कम्पेयर टू, मतलब जो इसका गेमिंग फ़ोन है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हाँ काफ़ी अच्छी ये फ़ोटोज़ मेंटेन कर रहा है। और मैंने कुछ कंपैरिजन्स भी देखे दोस्तों, वहाँ पे OnePlus Note 2 से ही बेटर फ़ोटोज़ क्लिक करी है इस वाले फ़ोन ने, तो ये चीज़ मैंने भी देखी तो काफ़ी अच्छी लगी। आपको कुछ और यूट्यूबर्स मेरे दोस्त वगैरह डालेंगे वीडियोस, तो वहाँ पे जाके उनका कंपैरिजन देखना OnePlus Note 2 और इसके कंपैरिजन कैमरा के बीच में, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा इन दोनों में। बट हाँ इसका कैमरा काफ़ी अच्छा उन्होंने कर रखा है और ऑप्टिमाइज़ होगा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। मैं कह रहा हूँ कि ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है, फ्रंट में भी कमी है थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन की, क्योंकि जो स्क्रीन है वो आपकी थोड़ी सी फ्लैशी सी कर देता है ये, मतलब स्मूथ सी कर देता है। और यहाँ पे डिटेलिंग की कमी है थोड़ी, जैसे कि दूसरे फ़ोन्स में यूज़ करता हूँ रियलमी वगैरह के, तो वहाँ पे थोड़ी डिटेलिंग जैसे कि दाढ़ी के बाल जो है वो अच्छे दिख जाते हैं, लेकिन इस वाले फ़ोन में वो एकदम स्मूथ हो रखे थे। लेकिन ओवरऑल अगर पिक्चर क्वालिटी की बात करूँ तो वो काफ़ी सही देखने को मिली थी मुझे, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही लगी मुझे। वीडियोज़ की बात करें तो वीडियोज़ में काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं इस वाले फ़ोन में वीडियोग्राफी के लिए, और बहुत ज़्यादा तगड़ी तगड़ी आप वीडियोज़ कैप्चर कर पाएंगे इससे। बट हाँ आपको ध्यान रखना है कि लाइटिंग आपके लिए अच्छी होनी चाहिए इस फोन में अगर आपको वीडियोस रिकॉर्ड करनी है, तो वरना आपको अच्छी नहीं लगेगी शायद। तो हाँ, और यहाँ पे दोस्तों आपको 4K 30fps तक का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और बाकी जो मोर मोड में जाके आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे कैमरा के, तो ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा सही मिल जाती है इस वाले फ़ोन में। तो हाँ कैमरा के मामले में मैं कहूँगा डिसेंट है, काफ़ी ज़्यादा तगड़ा भी नहीं है, लेकिन हाँ गेमिंग फ़ोन के हिसाब से 30,000 के अंदर मेरे को डिसेंट कैमरा लगा इसका। दोस्तों गेमिंग एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा स्मूथ है, ऐप वगैरह काफ़ी बढ़िया तरीके से ओपन हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं लगती है मुझे, और बहुत ज़्यादा सही चलता है यार। 120Hz पे मैं चलाता हूँ इसे ऑलवेज, तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलता है, आप भी 120Hz पे ही चलाएंगे मेरे ख्याल से भी, तो हाँ काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है परफॉर्मेंस के मामले में डे टू डे लाइफ में। गेमिंग की बात करते हैं तो गेमिंग में बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, BGMI मैंने चलाई थी इसमें, खेलता हूँ BGMI इसमें, तो यहाँ पे स्मूथ प्लस एक्सट्रीम का ऑप्शन है अभी 60fps तक का, अभी इसमें 90fps का ऑप्शन नहीं आया है, वो अपडेट्स के थ्रू आ जाएगा, क्योंकि जो ग्लोबल वर्जन था इसका उसमें आ चुका था अपडेट्स के थ्रू 90fps, तो इसमें भी आ जाएगा आपका कुछ दिन बाद, तो वो भी आ जाएगा इसमें 90fps भी। बाकी HDR अल्ट्रा तक तो है इसमें सपोर्ट, और किसी भी ग्राफिक सेटिंग्स में खेल लीजिए आप दोस्तों, गेम काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलती है, काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। और ट्रिगर्स तो यहाँ पे दिए हुए हैं तो उसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं इसमें, गेमिंग सेटिंग्स इसमें कैसे कस्टमाइज़ करनी है उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी मैंने दोस्तों, वो ज़रूर से देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, तो उसमें काफ़ी अच्छे से बताया मैंने कैसी कैसी सेटिंग्स आप कर सकते हैं इस वाले फ़ोन में गेमिंग के लिए। तो ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा गेमिंग एंड परफॉर्मेंस के बारे में बहुत तगड़ी आपको एक परफॉर्मेंस आपको दे सकता है ये डिवाइस, और दे रहा है, काफ़ी एक अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिल रही है 30,000 रुपये के अंदर, तो डेफिनेटली इसे परफॉर्मेंस में मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं आई। दोस्तों बात कर लेते हैं एक बार स्पीकर क्वालिटी की, तो स्पीकर जो है इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स दिए हुए हैं डॉल्बी एटमॉस के साथ, और जो आउटपुट है उसका वो यार बहुत ज़्यादा तगड़ा है, मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है आउटपुट जो है इसका, तो आपको भी डेफिनेटली इसे पसंद आएगा वो, एक बार मैं आपको सुना देता हूँ वो। Shadow turns to sun rays and on we'll go.
यार काफ़ी तगड़ी है इसकी आवाज़, तो मतलब मज़ा आ जाता है। इसकी साउंड काफ़ी अच्छी है, क्लियर है काफ़ी ज़्यादा, और हाँ आपको सराउंड साउंड एक्सपीरियंस मिल जाता है इसमें। तो डेफिनेटली से स्पीकर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिए गए हैं इसमें, और हाँ आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मूवीज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह आप देखते हैं अगर बिना ईयरफोन्स के, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। दोस्तों बैटरी बैकअप एंड चार्जिंग की बात कर लेते हैं। अब ये जो पॉइंट है इसमें मेरे को एक चीज़ आपको बतानी है, इसकी बैटरी ड्रेन होती है। अब बैटरी ड्रेन कैसे होती है वो आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है जब हम बैटरी को यूज़ नहीं करते, जब हम फ़ोन को यूज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिल जाता है बैटरी ड्रेन। जैसे कि मैंने रात को एक बार फुल चार्ज कर रखा था इसे 100% पे। अब दोस्तों मैंने उसमें ना ही ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन कर रखी थी, ना ही इसमें मोबाइल नेटवर्क कुछ ऑन था, ना ही वाईफाई ऑन था, सब कुछ ऑफ था और एकदम यूं का यूं रखा था फ़ोन। सुबह मैंने देखा दोस्तों, मतलब ऑलवेज इसमें यहाँ पे वो एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, और उसके होने के बावजूद यहाँ पे इसने जो बैटरी ड्रेन करी रात की रात में, तो वो दोस्तों यहाँ पे हो गई थी 15-18% का बैटरी ड्रॉप ले लिया था इसने। मतलब मैंने 100% चार्ज करके रखा था रात को, और इसने सुबह तक कर दी थी 81-83% ऐसे कुछ थी। तो मतलब ये आपको स्टैंड बाय मोड में बैटरी ड्रेन मिलती है, और नॉर्मल यूज़ अगर करते हैं आप तो उसमें बैटरी ड्रेन नहीं मिलती है, उसमें नॉर्मल चलता है। तो ये एक थोड़ा सा बग है या फिर इशू है जो कि अपडेट के थ्रू फिक्स करना पड़ेगा पोको को। तो हाँ ये चीज़ आप मैंने नोटिस करी है तो आपको बता दी है। तो ये आपको बैटरी के साथ मिल जाता है नॉर्मल अगर आप यूज़ करेंगे ना दोस्तों, तो आपको पूरा एक दिन का बैकअप आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। गेमिंग वगैरह में भी नॉर्मल बैटरी कंज्यूम करता है, लेकिन जो बैटरी ड्रेन का इशू है वो सिर्फ स्टैंड बाय मोड में ही मिलता है मुझे, और मेरे को देखने में मिला है। यार पता नहीं क्या अपनी मर्जी का मालिक हो रहा है कि किसी भी टाइम बैटरी ड्रेन हो जाती है, किसी भी टाइम नहीं। तो इस तरह से कुछ है, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू फिक्स हो जाएगा वो धीरे धीरे। आपको पता ही है कैसे फ़ोन हो रहे हैं आजकल, सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बिना कुछ काम ही नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मतलब वियर्ड सी है, लेकिन हाँ ये चीज़ है इसमें। और चार्जिंग की बात करता हूँ दोस्तों, इसका जो है स्मार्ट चार्जर है 67 वोल्ट्स का। तो यहाँ पे जो 67 वोल्ट का स्मार्ट चार्जर है वो दोस्तों चार्ज करता है इस फ़ोन को काफ़ी अच्छे से। वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे ही इसका टेम्परेचर हाई होने लगेगा वो वोल्टेज कम कर देगा, और जैसे ही इसमें नॉर्मल टेम्परेचर या फिर कम होगा टेम्परेचर तो वो हाई वोल्टेज पे चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। तो मैंने इसका जो चार्जिंग टेस्ट करा था दोस्तों जब, तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर था, वहाँ पे इसने करा था 56 मिनट्स 56 सेकंड्स ऐसे कुछ में इसने फुल चार्ज करा था 0-100% में। लेकिन वो डिपेंड भी करेगा आपका जैसे मैंने बताया टेम्परेचर के ऊपर भी, तो किसी का 40 मिनट्स में भी हो रहा है कंप्लीट चार्ज, किसी का 50 मिनट्स में हो रहा है, तो ये डिपेंड करता रहेगा कि क्या टेम्परेचर है फ़ोन का अभी। तो इस मैंने मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगी, स्मार्ट चार्जर है ठीक बात है, आपकी जो बैटरी है उस पर भी ज़्यादा हार्म नहीं होगा। तो हाँ इस तरह से कुछ इसकी चार्जिंग और बैटरी का मेरा एक्सपीरियंस रहा है। अब दोस्तों ट्रिगर बटन्स और आरजीबी लाइटिंग की बात करूँ तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है उसके साथ, काफ़ी अच्छे से ट्रिगर बटन्स काम करते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्टाइल है। अगर आपको दिखाऊं तो ये जो है काफ़ी क्लिकी है यार, इसकी आवाज़ एक बार आपको सुना देता हूं मैं, अगर आपको सुन पाए तो। इस तरह से दोस्तों इसकी काफ़ी ज़्यादा क्लिकी आवाज़ है और काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। लेटेंसी वगैरह यहाँ पे कोई भी आपको देखने में नहीं मिलती है, ज़्यादा आराम से रियल टाइम आप इसे यूज़ कर सकते हैं। RGB लाइटिंग तो लगती ही मस्त है यार, किसी भी फ़ोन में हो चाहे वो, तो वो तो एकदम कूल सा इफेक्ट दे देती है किसी भी फ़ोन में हो तो। तो हाँ इसमें आपको कैमरा के लेआउट में मिल जाती है जो RGB लाइटिंग, वो काफ़ी ज़्यादा बहुत सही काम कर लेती है, और वो बीच बीच में चलती है यार, जैसे गेमिंग करते तो बीच बीच में चलती है। लेकिन हाँ मैं चाहता हूँ कि इसमें एक अपडेट के थ्रू एक ऑप्शन आए कि वो गेमिंग करते टाइम तो पूरे टाइम चले, बीच बीच में यार क्या मज़ा, गेमिंग करते हैं अगर पूरे टाइम RGB लाइटिंग चले तो अलग ही चीज़ होती है, अलग ही मज़ा होता है। तो हाँ इस तरीके से कुछ है। बाकी नोटिफिकेशंस या कॉल वगैरह के टाइम पे तो आपकी RGB लाइटिंग जो है वो काम करती है अच्छे से, और वो कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं आप, जो कि मैंने उसी वीडियो में बताया गेमिंग सेटिंग्स वाली वीडियो में, तो वो ज़रूर से देख लेना। तो अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की डायरेक्ट। तो यहाँ पे आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं 30,000 रुपये के अंदर, या फिर किसी और फ़ोन के लिए जाना चाहिए नोट 2 के लिए या फिर रियलमी X7 मैक्स के लिए, तो किसके लिए आपको जाना चाहिए? अगर आपको दोस्तों एक गेमिंग फ़ोन चाहिए, एकदम गेमिंग फ़ोन चाहिए 30,000 रुपये के अंदर, जिसमें आपको ट्रिगर बटन्स आपको मिल रहे हैं काफ़ी अच्छे टेक्टाइल, और डिज़ाइन काफ़ी स्टर्डी सा मिल रहा है, काफ़ी सॉलिड डिज़ाइन है, प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छी है गोरिल्ला ग्लास 5 की दोनों ही साइड, मेटल एल्यूमिनियम का फ्रेम मिल रहा है आपको, कैमरास डिसेंट है, गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी मिल जाती है आपको, RGB लाइटिंग भी मिल जाती है, और बाकी सारी चीज़ें जो थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें दिक्कत है वो मैंने आपको बताई, जैसे बैटरी स्टैंड बाय मोड में थोड़ी ड्रेन हो जाती है या फिर और कुछ। तो ये सब चीज़ें अगर आप इग्नोर कर सकते हैं और आपको डेफिनेटली से एक काफ़ी अच्छा पैकेज मिल जाता है 30,000 रुपये के अंदर, तो गेमिंग फ़ोन जिसको चाहिए वो इसको ले सकता है, क्योंकि इसका जो UI है वो भी इसमें थोड़ा सा क्लीन है MIUI, तो जैसे ही मैंने बताया इसमें थोड़ा सा क्लीनर MIUI मेरे को मिला है,
यहाँ पे कोई भी मेरे को ब्लॉटवेयर वगैरह नहीं मिला था और काफ़ी स्मूथ चल जाता है। 120Hz काफ़ी अच्छे से काम करता है। इसका डिस्प्ले बहुत ज़्यादा तगड़ी है दोस्तों, तो इन हैंड फील भी काफ़ी प्रीमियम है। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि एक काफ़ी अच्छा डिवाइस है, आप डेफिनेटली से इसको बाय कर सकते हैं अगर आपको गेमिंग के लिए एक डिवाइस चाहिए 30,000 रुपये के अंदर। अगर आपको कैमराज वगैरह चाहिए बढ़िया या फिर कुछ और, तो आप इसकी जगह किसी और फ़ोन के लिए भी जा सकते हैं रिव्यूज़ चेक करके यूट्यूब पे। बट हाँ, अगर गेमिंग के लिए या फिर नॉर्मल कॉलिंग वगैरह इसमें काफ़ी तगड़ी हो जाती है, नेटवर्क क्वालिटी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे 5G वगैरह, तो ये चीज़ काफ़ी सही है। यहाँ पे 4G प्लस आपको देखने में मिलता ही है और यार कॉलिंग क्वालिटी वगैरह काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है, तो ये पॉइंट मैं भूल गया था लेकिन अब बता दिया है, कॉलिंग क्वालिटी वगैरह काफ़ी ज़्यादा सही है इसमें। तो ये चीज़ इस तरह है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल का सब्सक्राइब भी आप कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में जल्दी ही। लेकिन जिसको ये फ़ोन बाय करना है 6+128GB वाला वेरिएंट 25,000 रुपये का, 5 दिन पुराना 5 दिन ही हुए हैं और एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन है, तो किसी को बाय करना है तो 25,000 रुपये में मैं बेच रहा हूँ। लेना हो तो इंस्टाग्राम पे DM कर देना, ये मेरे हैंडल्स हैं इंस्टाग्राम और ट्विटर के, तो आप जाइए, जिसको बाय इंटरेस्ट है बाय करने में तो जाके कर लीजिए। सो दैट्स इट, मिलते हैं एक नई वीडियो में जल्दी ही। टिल देन बाय बाय।